पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने कैसे रूस से बंपर कच्चा तेल खरीदा, जिसके बाद मानो पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी कि उसने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने की पूरी कोशिश की। लेकिन रूस ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए और उसके सस्ते क्रूड खरीदने के सपने को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाते हुए रूस से कच्चे तेल के इम्पोर्ट पर रोक लगा दी। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर क्यों हुआ और ऐसा रूस ने किया क्या? भारत में रोजाना 20 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल रूस से आ रहा है। इसकी देखा देखी पाकिस्तान ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया। लेकिन अब पाकिस्तान ने दावा किया है कि रूस ने 2 शिपमेंट में घटिया क्वालिटी का कच्चा तेल भेजा है। ये तेल इतना घटिया है कि पाकिस्तान की रिफाइनरीज ने रूसी तेल को प्रोसेस करने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने रूस से तेल तो ले लिया, लेकिन अपने लोगों को इसका फायदा भी नहीं दिया। उल्टे हाल ही में देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी भी कर दी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की रिफाइनरी से जुड़े बिजनेसमैन का साफ तौर पर दावा है कि रूस से आ रहे तेल की प्रोसेसिंग से उन्हें नुकसान हो रहा है। अरब के तेल के मुकाबले रूसी तेल से कम पेट्रोल निकल रहा है, जबकि 20% ज्यादा फर्नेस ऑयल निकल रहा है। रूस से आए कच्चे तेल के 2 जहाज 11 जून और 26 जून को कराची पोर्ट पर आ गए थे। पहले शिपमेंट में 45,000 टन और दूसरे में 56,000 टन का कच्चा तेल भरा था। इसके बाद से रूस से तेल लेकर कोई भी जहाज पाकिस्तान नहीं आया है। अब पाकिस्तान को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। लेकिन इस कहानी में एक और एंगल है। दरअसल पाकिस्तान ने रूस से तेल खरीदने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मैकेनिज्म बनाया था। पेमेंट और शिपमेंट को हैंडल करने के लिए पाकिस्तान को स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना था, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें देरी की। जुलाई में रूस का एक प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान भी आया था, लेकिन भारत की तरह पाकिस्तान को रूस से खास डिस्काउंट मिला नहीं। इसी बीच खबरें इस तरह की भी आई कि पाकिस्तान ने सस्ता क्रूड खरीदने के लिए रूस को डिफेंस सप्लाई भी की, जिसके बाद रूस जो है पाकिस्तान की इस हरकत से काफी नाराज हो गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत को रूस से सस्ती कीमत पर कच्चा तेल मिल रहा है और हाल ही के दिनों में रूसी तेल पर मिल रहा डिस्काउंट काफी कम हो गया। लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस से तेल इंपोर्ट कराना कम नहीं किया है। भारतीय खरीदारों का साफ तौर पर मानना है कि दूसरे देशों के मुकाबले रूस का तेल आज भी उन्हें सस्ता मिल रहा है। जब पाकिस्तान की सरकार ने रूस के साथ तेल की डील की थी तो उन्होंने पूरे अवाम के सामने अपना महिमामंडन किया था, लेकिन अब जो हुआ है उस पर पाकिस्तानी सरकार ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।